भारत देश में कई चमत्कारी व अनोखे मंदिर हैं, जिनके चमत्कारों के बारे में वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पाए। इसी बीच आज हम आपको ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएंगे जो प्राकृतिक आपदा का पहले संकेत देता है। यह मंदिर कश्मीर के गदेरबल जिले में खीर भवानी और राज्ञा देवी मंदिर के नाम से स्थित है। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर दुर्गा माँ भव्य रूप में विराजित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना कश्मीर में हनुमान जी ने की थी। मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु नंगे पांव चलकर आता है, माँ दुर्गा उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। पुरुष श्रद्धालु मंदिर के समीप जल धारा में स्नान करते हैं, उसके बाद वह मंदिर परिसर में स्थित जल कुंड में खीर चढ़ाते हैं। माना जाता है कि मंदिर के नीचे बहने वाले जल धारा के पानी का रंग घाटी के कल्याण का संकेत देता है। अगर इसका जल काला होता है तो यह अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि किसी प्राकृतिक आपदा के आने से पहले मंदिर के कुंड का पानी काला पड़ जाता है, तो वही स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि खीर जो सामान्य रूप से सफेद रंग की होती है, उसका रंग काला हो जाता है, जो अप्रत्याशित विपत्ति का संकेत होता है। मई के महीने में पूर्णिमा के 8वें दिन बड़ी संख्या में भक्त यहाँ एकत्रित होते हैं। ऐसा विश्वास है इस शुभ दिन पर देवी पानी का रंग बदलती है। इस तरह स्थानीय लोगों को संकट की सूचना पहले ही मिल जाती है। लोग इसे माता का चमत्कार मानते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मंदिर में हर साल एक पारंपरिक मेला लगता है, जो कि पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हर साल लगने वाले इस मेले को खीर भवानी मेला कहते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर में घंटे बजा कर देवी के दर्शन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दर्शन।